ये देख सकते हो मेरा ड्यूब का हालत। इस वाले ग्लैमर के साथ उसका क्रश हुआ था। लास्ट डे में पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद वीडियो शूट करना बंद कर दिया था और फिर कुछ गड़बड़ हो गई। भाई लोगों ने पूरा पेडॉक स्टैंड पे लगा दिया है बाइक को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइटी व्लॉग्स। तो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। लास्ट कुछ दिनों से मेरा दिल बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो इसकी वजह से मैं व्लॉग शूट कर नहीं पा रहा था। लास्ट मंथ 29 जून को ईद के दिन सुबह हमारा जो ड्यूक 390 है उसका बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। और इस एक्सीडेंट में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली सीन हो गया था, जो मैं वीडियो पे क्लियरली बता नहीं सकता कैसे एक्सीडेंट हुआ कैसे नहीं। एक्चुअली मेरा दो कज़न ब्रदर लेके गए थे मेरा ड्यूक को ATM से पैसा निकलने के लिए, और ATM से पैसा निकलने के बाद सीधा घर आने का टाइम उन लोगों का एक खतरनाक तरीके से क्रैश हो गया था दूसरा और एक बाइक के साथ। तो एक्सीडेंट कैसा हुआ है कैसा नहीं वो मैं डिटेल पर नहीं बता सकता क्योंकि अभी पुलिस इंक्वायरी चल रहा है, तो अभी मैं फिलहाल वीडियो पर नहीं बता सकता। एक्सीडेंट वाले पॉइंट पे मैं थोड़ी देर बाद गया था, तो इसकी वजह से मेरा पास कुछ एक्सीडेंट का फोटोज है, वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना मतलब कितना खतरनाक तरीके से हमारा ड्यूक का एक्सीडेंट हुआ है। मतलब मेरा एकदम पूरा दिल ही बैठ गया है तब से जब से मेरा ड्यूक का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के बाद मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा है क्या, मतलब कैसे बताओ आप लोगों को। मतलब बाइक का कोई सीन नहीं है, हम और एक ड्यूक 390 लेके आएंगे शोरूम से, उसका कोई सीन नहीं है। बट ये वाला जो ड्यूक 390 है इसके साथ मेरा पर्सनली बहुत ही गहरा वाला इमोशन जुड़ा है। मतलब आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरा जो फर्स्ट टू व्हीलर था TVS एंटॉक थोर एडिशन, तब भी मेरा दिमाग पे ये वाला ड्यूक 390 था, बट उस टाइम मेरा बजट पे ये वाला बाइक नहीं था तो इसलिए मैं ले नहीं पाया। फिर मैंने एक एक पैसा जोड़ के, लिटरली एक एक पैसा जोड़ के मैंने अपना सपना को पूरा किया, बट उसका पूरा एकदम क्रैश होके नेस हो गया। अभी मैं निकला हूँ हैलाकंदी DTO ऑफिस के लिए और वहाँ से अपनी ड्यूक 390 का MVI रिपोर्ट्स निकालने हैं, और वहाँ से रिपोर्ट्स निकालने के बाद बासगाम पुलिस स्टेशन पे सबमिट करना है, और वहाँ से अपने बाइक का बेल करा के सीधा सिलचर KTM शोरूम ले जाना है और वहाँ पे जाके इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। इंश्योरेंस का क्या प्रोसेस रहता है वो सब आप लोग देखने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। और फिलहाल अभी मैं लेके जा रहा हूँ अपनी RS 200 को, और ये भी काफ़ी सही बाइक है, मतलब बहुत ही प्यारी बाइक है। तो फिलहाल अभी हैलाकंदी के लिए रवाना हो जाएंगे और इसके बाद हैलाकंदी से आके पाचगाम पुलिस स्टेशन पे जाके अपना ड्यूक 390 का हालत दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, थोड़ी देर पे आपसे मिलते हैं। तो गाइस, ये देख सकते हो आप रोड के बीच पे गाय, मतलब हमारा बरकबली का पूरा रोड ही ऐसा है, मतलब आप स्पीड पे बाइक नहीं चला सकते, मतलब रास्ते पे कहीं से ना कहीं मतलब गाय बकरी निकल के आ जाते हैं। तो चलो चलते हैं। भाई साहब, बहुत दिनों के बाद मोटर ब्लॉग करके मतलब बहुत ही अंदर फीलिंग अच्छा आ रहा है, क्या ही पावर है। देखो गाइस, 200 वाली सेगमेंट पे मतलब RS 200 से ज़्यादा स्मूथ वाला इंजन कोई भी नहीं है, मतलब क्या ही बता, RC 200 भी नहीं है इससे ज़्यादा स्मूथ इंजन उस पर, मतलब इनिशियल बहुत ही ज़्यादा है RC 200 पे, बट RS का जो स्मूथनेस है मतलब दिल पे लगता है खींचने पे। और अपने जो ड्यूक 390 है उसका तो अलग ही बात है, वो तो अपने आप पे ही किंग है, मतलब उसको बीट करने के लिए मतलब कोई भी 400cc के अंदर बाइक नहीं है, बहुत ही खतरनाक बात है। ये शायद अपना दोस्त ही है, हेलमेट कहना हुआ MBI वाला नहीं जाइए बाइक का नोर खाना जाता है खवात नहीं ओ जाए क्या है। बाइक पे फ्यूल बिल्कुल लो हो चुका है और अभी थोड़ा फ्यूलिंग करवा लेंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाना है। पेट्रोल है नहीं, एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं नहीं भाई। देखो गाइस, पेट्रोल पंप लेके बैठे हैं, कोई बंदा रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, पेट्रोल है क्या नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा। जगह का नाम की था, जगह का नाम की था शहीद बोननी, देख सकते हो गाइस शहीद बोन पेट्रोल पंप है।
कोई भी बंदा नहीं है पेट्रोल देने के लिए, मतलब पेट्रोल पेट्रोल पंप पे है ही नहीं, वो भी बोलने के लिए कोई नहीं है, मतलब कितना मतलब आलसी बंदा है। और ये कौन से पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है ये, अलगापुर जो सोइदबोन है ना वहाँ के पेट्रोल पंप है, और ये इंडियन ऑयल वाले है भाई। बहुत ही गलत सीन है, बहुत ही। अरे इंडियन ऑयल वालों, इन लोगों को डीलरशिप भी मत दिया करो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, कोई भी बंदा निकल के बाहर बोल ही नहीं रहा मतलब पेट्रोल है कि नहीं, रेस्पॉन्स भी नहीं है। ऑलराइट गाइस, हम पहुंच चुके हैं हैलाकंदी डीटीओ ऑफिस। 2 hours later शिवरन भाई आ गया है। तो गाइस अभी हमने एमबीए रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लिया है और अभी सीधा पासग्राम पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पे जाके ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पासग्राम पुलिस स्टेशन और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और इसके बाद आपसे मिलेंगे। तो गाइस ये देख सकते हो मेरा ड्यूब का हालत, इस वाले ग्लैमर के साथ उसका क्रश हुआ था, क्या हालत हो रखा है, बहुत ही बुरा लग रहा है इसको ऐसे हालत पे देखे, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। The next day. तो गाइस आज नेक्स्ट डे है और लास्ट डे मैं पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद वीडियो शूट करना बंद कर दिया था और फिर कुछ गड़बड़ हो गया, इसके वजह से मैं घर सीधा चला आया। तो आज मैं दोबारा जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन पे, वहाँ तो पुलिस स्टेशन पे तो मैंने एमबीए रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और आज जाके अपना बाइक को चुड़वाएंगे और चुड़वा के सीधा शोरूम पे ले जाएंगे और इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम निकल चुके हैं शोरूम के लिए और ये रही अपनी ड्यूक 390, छोटा सा ट्रक पे डाल के लेके जा रहे हैं उसको शोरूम पे सिलचर। और इसको देख के भाई साहब मेरा जो दिल है वो बिल्कुल ही बैठा जा रहा है, मतलब क्या ही बताए, मतलब कितना खुशी से लाया था इसको शोरूम से और अब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है इसको ऐसा हालत पे लेके जा रहा हूँ शोरूम फिर से वापस। तो गाइस मैं जब घर से निकला था तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप था और अभी बारिश होना चालू हो चुका है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का वेदर है ना उसका कोई आता पता नहीं है, मतलब लास्ट 1-2 महीने से मतलब कब बारिश हो जाता है कब धूप निकल जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं गोप्रो को हेलमेट से निकल के बैग पे डाल दूंगा और सिलचर का रास्ता कवर करूंगा जल्द से जल्द। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं KTM सिलचर और अभी इनका सर्विस सेंटर जाएंगे। तो गाइस अभी हम सिलचर पहुंच चुके हैं और सिलचर KTM सर्विस सेंटर पे अपनी बाइक को ट्रक से अनलोड कर दिया है और ये देख सकते हो बाइक का हालत, भाई लोगों ने पूरा पेडॉक स्टैंड पे लगा दिया है बाइक को। और अभी फिलहाल मैं इंश्योरेंस कंपनी पे फ़ोन करके इंश्योरेंस क्लेम करूंगा और इसके बाद कैसे क्या प्रोसेस रहता है वो मैं किसी और वीडियो पे बताऊंगा। तो अभी घर जाने का टाइम हो गया है और बाइक को अपना इधर ही छोड़ के जा रहे हैं, एक बार लुक्स दिखा देता हूँ बाइक का, अभी मेरे हिसाब से शायद ये बाइक दोबारा बनेगी। अपना डिप का पीछे का साइड लगभग ठीक है और सामने का पूरा एकदम डैमेज हो चुका है, तो क्या क्या डैमेज हुआ है वो बाद में पता चलेगा, मुझे तो सब कुछ मालूम नहीं है। ये देख सकते हो बाइक का हालत। यहाँ रुके कुछ खा लेते हैं इसके बाद जाएंगे, पेट में बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से भूख लगा है। तो इस पर काफ़ी फेमस स्वीट्स रहते हैं तो यहाँ से कुछ खा लेते हैं और निकलेंगे। दादा ब्रेड पकौड़ा आटा दिन ना आटा आटा आटा। तो मैंने यहाँ से एक ब्रेड पकौड़ा खा लिया है और थोड़ा बहुत स्वीट्स पैक करा लिया अपने घर के लिए, इसको बैग पे डाल देंगे
और इसके बाद सीधा घर के लिए निकल जाएंगे। बंदे के बाइक से कितना ज़्यादा पोल्यूशन निकल रहा है, मतलब बहुत ही घिनौना वाला हरकत है ये वाला हरकत। और ये देख सकते हो भाई साहब ने हेलमेट एक हाथ पे लिया है, मतलब बंदे का बैलेंस भी बिगड़ेगा तो उसके हेलमेट की वजह से उसका एक्सीडेंट होगा। मतलब सर पे नारा के बंदे ने हाथ में फंसा दिया है हेलमेट, और हाथ में हेलमेट फंसाने के बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है हैंडलिंग पे बाइक का। मतलब मान लो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो गया ना तो इसका गिरना पक्का है। मैं आप लोगों से एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग कभी ऐसा बाइक चलाते हो मतलब हेलमेट हाथ पे डाल के, तो मत चलाया करो। चलो बंदे ने लगा लिया है माथे पे। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं घर के सामने, और अभी वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया है। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।